पहले तो मैं मीडिया के जो मित्र हैं उनका स्वागत करता हूँ। आज सुबह क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र है जी, और मैं पूर्व पंचायत समिति मेंबर जैसलपुर से। आज सुबह ही मैं एक सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि एक ये जो महिला है इनके बारे में डाली गई थी पोस्ट, और उस पोस्ट को देखकर मैंने जो जिन्होंने पोस्ट डाली थी उनको मैंने संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि ये जो महिला है इसे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान जो है वो आवंटित किया गया है, लेकिन इसे तंग किया जा रहा है। 3 महीने से लगातार लोग वाले इसे बुला रहे हैं और कभी कहते हैं कि इसका अकाउंट ठीक नहीं है, कभी इसको कई बहाने बनाकर इसको हमेशा भेज देते हैं। तो मैंने फिर इस जो लदो पंचायत है उनकी प्रधान है नीता जी, मैंने उनको भी फ़ोन पर पूछा कि जानकारी ली कि एक मामला क्या है, तो इन्होंने भी बिल्कुल वही बताया जो इस महिला को के बारे में जो लोग कल भी आए थे जांच करने। तो मैंने फिर अपने जो हमारे संगठन के हमारे जो लोग हैं मैंने उनके माध्यम से मैंने कहा आप आएँ और इस महिला से हम मिलते हैं, और हमने देखा कि वाकई ही ये पट्टी में रहती है और इसकी एक अपंग बेटी है। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारे अधिकारी हैं वो इस प्राथमिकता को देने के बजाय वो हमारे जो पार्टियों के साथ जुड़ते हैं और पार्टियों के लोगों को खुश करने में ये जो काम कर रहे हैं, भविष्य में ऐसे अधिकारियों का जो है वो पार्टी संज्ञान लेगी, और मुझे लगता है कि उन्हें पार्टी का कार्यकर्ता बनने के बजाय उन्हें लोक सेवक बनना चाहिए। ये जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं वो एक गरीब परिवार और गरीब लोगों के लिए हैं, और मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसे अधिकारी स्वयं जाकर मौके पर देखें कि प्राथमिकता क्या तय करनी है। और हमें पता लगा है कि उन्होंने हमें बता दिया है कि हमने जी 11 लोग पेंडिंग हैं उसमें से इस महिला का नाम भी है, और आज वो बता रहे हैं कि बजट नहीं है हमारे पास इस कारण इस महिला का है। तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि इस महिला को बड़ी प्राथमिकता में मकान दिया जाए, और इस पूरे मामले को हम जो हमारे पंचायती राज के जो मंत्री हैं उन्हें भी बताया जाएगा, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके समक्ष भी इस मामले को रखा जाएगा कि किस प्रकार से जो पंचायतों के जो मतलब डिजर्व करते हैं लोग उनके साथ अधिकारी किस प्रकार से काम करते हैं कि डिजर्व करने वाले लोग रह जाते हैं और जो पार्टी के लोग हैं उन्हें खुश करने में लगे हुए हैं। और ये अगर ये मामला बड़ी जल्दी ना सुलझा तो हमारे संगठन के लोगों ने एक निर्णय किया है कि हम फिर पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर उतरेंगे और फिर इसके लिए जवाबदेही प्रशासन की होगी। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिले।